सिद्धार्थनगर जिला कलेक्ट्रेट परिसर में उत्तर प्रदेश मिनिस्ट्रियल कलेक्टर कर्मचारी संघ ने एक दिवसीय धरना देकर मुख्यमंत्री को संबोधित 22 सूत्री मांगों का पत्र जिलाधिकारी सिद्धार्थनाथ को सौंपा। आज सुबह पूर्ण निर्धारित कार्यक्रम के तहत पूरे जिले के उत्तर प्रदेश मिनिस्ट्रीय कलेक्ट्रेट कर्मचारी संघ के पदाधिकारी और कार्यकर्ता कलेक्ट्रेट परिसर में इकट्ठा हुए अपनी मांगों को लेकर धरने पर बैठ गए। इस धरने के संबंध में बताते हुए जिला अध्यक्ष प्रेम सागर चौधरी ने कहा, आज उनकी मांगों में प्रमुख रूप से पुरानी पेंशन बहाली, कलेक्ट्रेट को मिनी सचिवालय का दर्जा दिया जाना, जो पद रिक्त है उनको जल्द से जल्द भरा जाना, उनको मिनी सचिवालय के कर्मचारियों के बराबर मानदेय शामिल है। उन्होंने कहा, अगर उनकी मांगे नहीं मानी गई तो जो प्रांतीय उत्तर प्रदेश मिनिस्ट्रियल कलेक्ट्रेट संघ के तत्वावधान में 18 सितंबर को लखनऊ में व्यापक रूप से रणनीति बनाई जाएगी और आगे उनके संघ के वरिष्ठ द्वारा जो भी दिशा निर्देश उन्हें प्राप्त होगा उसके अनुसार आगे की कार्रवाई करेंगे। सिद्धार्थनगर से दैनिक भास्कर के लिए गुलाम अली सिद्दीकी की रिपोर्ट। आज हम अपनी 22 सूत्रीय मांगों को लेकर एक दिवसीय धरना हम लोग जनपद सिद्धार्थनगर के कलेक्ट्रेट के सारे कर्मचारी आकस्मिक अवकाश लेकर अपनी मांगों के संबंध में एक दिवसीय धरना दे रहे हैं। हमारे जनपद की 5 तहसीलें बंद हैं। सारे कलेक्ट्रेट के कर्मचारी जिला मुख्यालय पर एकत्रित होकर अपनी 22 सूत्रीय मांगों को लेकर धरना दे रहे हैं। यह धरना प्रांतीय कार्यकारिणी जो हमारी है उसके नेतृत्व में हो रहा है। प्रमुख मांगे हमारी पुरानी पेंशन को बहाल किया जाए और हमारे कलेक्ट्रेट को मिनी सचिवालय बनाया जाए, क्योंकि हम लोग दिन रात काम करते हुए यह जनपद का मेन ऑफिस है और इसको सचिवालय का मिनी सचिवालय का दर्जा दिया जाए, सचिवालय के कर्मचारियों के बराबर हम लोगों का भत्ता दिया जाए। और हमारी पुरानी मांगे हैं कि हमारे कलेक्ट्रेट कर्मचारियों को 10% नायब तहसीलदार पर प्रोन्नत दी जाए और हमारा जो अर्जित अवकाश है, हम लोग कार्य करते हैं उसके महीने एक महीने का वेतन हमको मिलता था, सरकार ने उसको ख़त्म कर दिया नकदीकरण के रूप में, उसकी बहाली की जाए। कर्मचारियों की जो रिक्त पद हैं हर जनपदों में, जो रिक्त पद हैं उनको भरा जाए, क्योंकि कलेक्ट्रेट के कर्मचारी 3-3 पटलों का कार्य कर रहे हैं, उसमें कर्मचारियों का स्वास्थ्य खराब हो रहा है, मानसिक रूप से पीड़ित हैं और पूरा दबाव बनाया जा रहा है शासन द्वारा, किंतु उनकी नियुक्ति नहीं की जा रही खाली पर। आगे हमारी मांगे नहीं मानी गई, हम लोग आज माननीय मुख्यमंत्री जी को अपना ज्ञापन दे रहे हैं 22 सूत्री मांगों को लेकर जिलाधिकारी महोदय के माध्यम से। अगर मांगे नहीं मानी गई तो हम लोग अपनी प्रांतीय कार्यकारिणी के आह्वान पर जो अंतिम निर्णय लिया जाएगा, अंतिम इसके बाद हमारा 18 सितंबर को GPO ऑफिस पे लखनऊ में धरना होगा, उसके बाद हम लोग माननीय मुख्यमंत्री जी को पुनः ज्ञापन देंगे, मुलाकात करेंगे। अगर नहीं मांगी माने गई तो उसके बाद अगली रणनीति हमारी प्रांतीय कार्यकारिणी के आधार पर फिर तय किया जाएगा।